नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम हाल जानेंगे बस्तर, छत्तीसगढ़ और पूरे ऑल ओवर इंडिया का, चूंकि एक सप्ताह ही बच चुका है मतगणना को लेकर और अगले मंगलवार ये फाइनल हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। हालांकि अभी तो चर्चा का विषय यही बना हुआ है, हर आप चौक चौराहा पर देखेंगे तो चर्चा यही चलता है कि कांग्रेस सरकार बना रही है तो बीजेपी पीछे नजर आ रही है। तो कहीं चर्चा ये है कि 400 पार सीटें आएंगी और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, लेकिन ये चर्चा का बाजार जितना गर्म है, क्या वाकई ये राजनीति गणित उतना ही तेज है, ये तो अगले मंगलवार यानी 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले इस चर्चा का बाजार में थोड़ा हम भी इस बाजार को जो गर्म है उसका भाव हम आप तक भी पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो विश्लेषक भी हैं, राजनीति विश्लेषक, उनसे भी जानेंगे कि क्या कहता है बस्तर लोकसभा, क्या कहता है छत्तीसगढ़ के 11 सीट और ऑल ओवर इंडिया में क्या माहौल चल रहा है। आप काफी करीब से देखे हैं चुनाव को, क्या लगता है कि ये गणित क्या कह रहा है? बीजेपी 400 पार की जो नारा लगा रही थी और कांग्रेस अभी वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, आप कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, जहाँ तक लोकसभा चुनाव को के मद्देनज़र जो भी कवायद चल रही है, लोगों में जो मतलब जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो बस्तर संसदीय सीट का जो चुनाव है वो पहले चरण में हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक युवा प्रत्याशी को उतारा था और कांग्रेस अपने एक सबसे ज़्यादा वरिष्ठ और मतलब लोकप्रिय प्रत्याशी कवासी लखमा, जो कि पहले प्रभारी मंत्री भी रह चुके हैं, तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ का एक वातावरण देखें या यहाँ पर जो चुनावी ट्रेंड है, अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 8 विधानसभा वाली इस लोकसभा में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। दक्षिण बस्तर का जो सुकमा विधानसभा, कोंटा विधानसभा है, वो कवासी लखमा का है, खुद का अपना विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से वो पिछले 6 बार से विधायक निर्वाचित हुए हैं। और जो वोटिंग का ट्रेंड आया है और जिस प्रकार से जो मुद्दे चुनाव के दौरान रहे हैं, उसमें सबसे प्रबलतम जो है वो मोदी मैजिक भी रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कुछ स्थानीय मुद्दों को भी उठाया है। तो कुल मिलाकर के जो लबोलुआब है वो कहीं ना कहीं इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का सीधा मुकाबला रहा है और कस्बाई इलाकों में जिस प्रकार से मोदी मैजिक रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो इस पर इस चुनाव में अपर हैंड है। और रही बात देश के अगर एक वातावरण की बात करें तो देश में भी हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का जो नारा दिया है, 400 पार अब ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैसेज आ रहा है या जो जो कहीं ना कहीं वातावरण लोग बता रहे हैं, कहीं ना कहीं केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रहा है, राहुल गांधी काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं, वो खुले मन से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चूँकि यूपी में काफ़ी ज़्यादा विरोध का सुर भी नज़र आया बीजेपी के? देखिए, राजनीतिक दांवपेच हर दल अपने हिसाब से तय करता है। जैसे आज का जो चुनाव है वो बहुत सीधा चुनाव नहीं है, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल वारफेयर का भी एक हिस्सा बना हुआ है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने में, चुनाव के 6 महीने पहले ही 400 पार का नारा दिया, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट था और ये मूवमेंट जो है ना, इसको लेकर के जो विरोधी दल है वो भ्रमित रहा। आप अगर देखेंगे पिछले 4-5 चरणों के चुनाव में तो ये बात प्रमुखता से आई है कि 400 पार नहीं कर पाएगा, 400 पार नहीं कर पाएगा, लेकिन हम कितने में जाएंगे ये लोगों ने नहीं बोला। तो और 5वें चरण के बाद से कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो राहुल गांधी ने एक जो स्टेटमेंट दिया है कि अब मोदी 4 तारीख के बाद पीएम नहीं रहेंगे, तो निश्चित रूप से उनका भी अपना एक रणनीतिक कैंपेन है और उस जो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की उन्होंने कोशिश की है। पर जो
आम जनता का जो मूड है वो मुझे लगता है पहले से ही सेट है, और कुछ सीटें अप एंड डाउन जरूर हो सकते हैं, पर ओवरऑल एक जो परसेप्शन है उसको लेकर के कि मुझे लगता है कि बहुत क्लियर कट एनडीए जो है ना गवर्नमेंट बनाने जा रही है। एक बड़ा मुद्दा नजर आया, बीजेपी इस चीज को नहीं भुनाई है, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, जो कांग्रेस इसको पकड़ के और पूरा सियासत जो समीकरण तैयार की है, सियासत ग्राउंड तैयार की है, तो क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि 1,00,000 और 12,000 में ये फर्क देखा गया है, बेरोजगारी रोजगार को लेकर काफी ज्यादा कांग्रेस जो अपनी सभाओं में कहती रही है, तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए कुछ मतलब जो वोटिंग को लेकर के जो एक ट्रेंड है, मतलब मतदाता आमतौर पर एक डिसाइडेड अपना एक मत लेकर के चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अलग हैं, कांग्रेस के समर्थक अलग हैं, लेकिन कुछ फ्लोटिंग वोटर होते हैं तो वो उन पर निश्चित रूप से जो मुद्दे तात्कालिक मुद्दे हैं वो प्रभाव करते हैं, इससे कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे महतारी वंदन योजना का विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने लाभ उठाया और 1,00,000 का जो कांग्रेस ने जो घोषणा की थी उसके भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित करेगा। और मतदाता जो है, जो फ्लोटिंग वोटर होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लाभ की बात करते हैं कि भाई हमको क्या मिलेगा, आज चुनाव हो रहा है, जो दल जीतेगा वो सरकार बनाएगा, जो कैंडिडेट जीतेगा वो सांसद निर्वाचित होगा, लेकिन आम जनता के लिए क्या? महंगाई निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है, और महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसको अगर और अच्छे ढंग से अगर कांग्रेस उठाती तो मुझे लगता है कि उसका कुछ और भी इम्पैक्ट जाता। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है। अब आंकड़ों की बात अगर करें तो आंकड़ों में दल जो है वो अपने अपने दावे अलग अलग तरीके से करते हैं, पर ओवरऑल ये आज की सच्चाई भी है। और लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में आम तौर पर जो है वो केंद्र के लिए चूंकि निर्धारित है कि आपके लोकसभा में आपके दिए गए वोट से जो है वो केंद्र की सरकार बननी है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि सेंट्रल में आप का जो आपकी चहेती सरकार कौन है, आपके नेता कौन है, ये भी एक बड़ा इशू है। मुझे लगता है इससे भी मतदाता प्रभावित होता है, और इसका फर्क तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ देखने में आएगा। जी बिल्कुल, इंतजार है, 1 सप्ताह का ही समय शेष रह गया है जो कि क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। क्या लगता है कि 6 चरण के मतदान हो चुके हैं, 57 सीट पर जो है मतदान जो है होने बाकी हैं, लेकिन आंकड़े पूरे अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है लगभग ये कहा जा रहा है, हालांकि कांग्रेस भी कॉन्फिडेंस नज़र आ रही है, आप क्या सोचते हैं, आपको कैसे नज़र आ रहा है ये? देखिए, कोई शक शुबा की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 400 सीट का जो नारा था उसको धरातल पर ला रही है, और 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे 4 जून को, तो एनडीए की सरकार देश में स्थापित हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रही है अपने मंच से, वो कहते नज़र आ रही है कि 4 तारीख के बाद जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, और 1,00,000 का जो गणित है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी 2014 में भी इसी तरह पूरे विश्वास में थी, 2019 में भी इसी तरह पूरे विश्वास में थी, और मजे की बात है कि अभी वर्तमान चुनाव में भी इसी तरह विश्वास में थी, उनका विश्वास होता है, और गलतफहमी और मुगालते का कोई इलाज नहीं। कांग्रेस के शीर्ष नेता भले ही चीख चीख कर कहें मंच में जनता के बीच में, लेकिन देश की जनता ने मानस बना लिया है, ये देश के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, एक सशक्त नेतृत्व जो है वो देश को मिलना चाहिए। बीते 10 वर्षों में समूचे देश ने, पूरे राष्ट्र ने, समूचे देशवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को, उनके काम को देखा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम, उनके नाम और उन पे पूरा विश्वास कर देश की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी जो है चल रही थी, लेकिन कांग्रेस जो है बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाया है, क्या इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ वोटर जो है वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं कांग्रेस में? नहीं, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है। अभी सबसे बड़ी बात जो हमारे 10 साल के काम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है और जिस तरह से देश का विकास हुआ है, इन सारी चीज़ों पे है जनता का ध्यान है और उस हिसाब से ही जनता अपना मत देगी। एक दूसरे चरण के चुनाव मतदान जब हुए थे उसके बाद से बीजेपी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थी छत्तीसगढ़ को लेकर। मैं कांकेर लोकसभा सीट पर उस वक्त चुनावी कवरेज कर रहा था तो बीजेपी कार्यालय में फटाके फोड़े जा रहे थे। ये कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस पहले से ही नहीं जता दिया गया? नहीं, अब फटाके फोड़ने में तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं तो सवाल भी तो खड़े हो रहे थे ना। नहीं तो कांग्रेस भी फटाके फोड़ सकती है। मतलब बीजेपी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है दूसरे चरण के मतदान के बाद ही, लेकिन ये कॉन्फिडेंस किसके पाले में जाएगा वो तो 4 तारीख को स्पष्ट होगा। क्या लग रहा है कांग्रेस की स्थिति कहाँ है? 4 तारीख को तो डिसाइड हो जाएगा, लेकिन आप कहाँ देख रहे हैं उसको? देखिए आशु जी, जैसे जैसे चरण बाई चरण मतदान होते जा रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी के शीर्ष नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाषा और शब्दों का चयन ये जो एक इंगित कर रहा है, मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, भैंस चोरी कर लेंगे, मुजरा करो, तो ये जो भाषा की गिरावट आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है कि अब जो है चला चली की बेरा आ गई है। ये शब्दों का चयन होता है ना, ये बहुत सोच समझ के करते हैं और अब इनको ऐसा लग रहा है, ये हताशा जो है ना, ये हताशा में निकले हुए शब्द हैं, क्योंकि इनके जो रणनीति थी वो पहले चरण के बाद पापा ने वार रुकवा दी, एक कैंपेन चलाया इन्होंने, वापस ले लिया। दूसरे चरण के बाद से आपने 400 पार का नारा सुना है क्या? नहीं सुना होगा। इन्होंने उसको भी वापस ले लिया जब पब्लिक को ये लगा कि ये 400 पार इसीलिए मांग रहे हैं कि ये संविधान को बदल देंगे, ये परसेप्शन बन गया पब्लिक में, तब इन्होंने उस कैंपेन को भी वापस ले लिया। तो अब जो है ये धीरे धीरे करके जैसे चरण बाई चरण वोटिंग होते गए वैसे वैसे इनकी हताशा जो है वो चरम पे आ गई। दूसरा, भाजपा के बहुत सीनियर लीडर हैं, इन्होंने कहा 10 साल के काम के आधार पे हम वोट मांगने पब्लिक के पास गए, किसी भी रैली में कहीं पे भी पूरी चुनाव में इन्होंने अपने 10 साल के काम के आधार पे वोट मांगा है क्या? ये हिंदू मुस्लिम के आधार पे वोट मांग रहे हैं, कभी पाकिस्तान पे मांग रहे हैं, कभी पीओके को ले आते हैं, कभी कांग्रेस के 70 साल को गाली देकर ले आते हैं, ये 10 साल के काम को कहाँ पे सामने रखे हैं? ठीक है, भाजपा की रणनीति तो साफ है, लेकिन क्या लगता है भाई साहब क्या चल रहा है माहौल देश में, बस्तर में, राज्य में, क्या देख रहे हैं सीन? देखिए, देश आज पूर्ण रूप से सब चीज समझ चुका है, राजनीतिक दल और खासकर मोदी जी को इतना ज्यादा समझ, देश का बच्चा बच्चा ईवीएम ले लेके घूम रहा है, ईवीएम लेके घूम रहा है। हाँ, हर बच्चा ना दूसरा बटन दबाता है भाजपा में वोट जाता है, ये चीज आप देखिएगा सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है और ये मोदी जी का तरक्की है, देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचा दिया है कि भ्रष्टाचार कैसे करते हैं, ये बच्चा बच्चा समझ रहा है इस बात को, धांधली कैसे करते हैं। उस पे तो एफआईआर भी हुआ है। क्योंकि ये मैजिक वाला मामला है, मोदी का मैजिक, मैजिक मतलब मैजिक कौन दिखाता है? जादूगर। धरातल में कुछ नहीं रहता है, ऊपर ऊपर सब कुछ दिखा सकता है और धरातल में आखिरी में क्या है, सबसे 2-4 अनार बटोर के निकलने का रहता है झोला पकड़ के। तो क्या लग रहा है, ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी है क्या? अगर ईवीएम मैजिक हुआ तो इनका नारा सक्सेस हो सकता है, अन्यथा किसी भी नेता में इतनी दम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिला दे। 400 पार के नारे लगाए, स्थिति जो है कॉन्फिडेंस में है, बीजेपी सरकार बना रही है, तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री, ये सब बातें परे हैं। अरे कितने हमारे यहाँ जब घुमाने वाले कुर्सी साड़ी घुमाने वाले बेडशीट घुमाने वाले आते हैं, 400 600 700 सब बोलते हैं, आखिरी में 150 में दे के जाते हैं। सेम है, कोई फर्क नहीं है। आज देश का जो स्थिति है, बेरोजगारी इतना चरम पे है, पूरे भारत के इतिहास में आजाद भारत में बेरोजगारी इतना नीचे नहीं गया हुआ था जितना आज बढ़ा हुआ है बेरोजगारी, इतना उसका रेशियो कभी नहीं गया था। उसी पर तो कह रही है ही नहीं बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा ही नहीं है। अरे भैया, भीतर भीतर से भाजपा वालों को नौकरी मिल रहा होगा, भीतर भीतर से भाजपा वालों को फ्री में गैस मिल रहा होगा, भीतर भीतर से भाजपा वालों को चावल मिल रहा होगा फोकट का,
इस कारण से उनको महंगाई नहीं लगता, हमको तो बहुत लगता है, पूरा पसीना निकल जा रहा भाई 100 सिलेंडर लेने में। लेकिन ये मुद्दा तो काफी ज्यादा देश में गरमाया है क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा हावी, यही सब नजर आ रहा है यूपी में सबसे ज्यादा, ये नजर आ रहा है। भैया अगर बेरोजगारी विषय नहीं होता, मुद्दा नहीं होता, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को इस देश के 1 करोड़ युवा बेरोजगार शेयर नहीं करते और उसकी तारीफ नहीं करते और आज कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं करते वो लोग। ये राहुल गांधी जो घर घर तक पहुंचे हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, न्याय यात्रा के माध्यम से, और उसके बाद उन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया उस मैनिफेस्टो का कमाल आपको 4 तारीख को दिख जाएगा। ठीक है, क्या लगता है कि जो 1 लाख का फंडा है कांग्रेस का और भाजपा का जो 12,000 का है, कौन सा ज्यादा काम कर रहा है? 1 लाख, 1 लाख ज्यादा काम कर, ज्यादा काम कर रहा है। पक्ष में तो बोलना ही है ना आपको? नहीं नहीं, जैसा कि भाजपा सरकार ने बोले कि हर महीना 1,000 रुपए देंगे ना, लेकिन बाकी लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? 500 रुपए आ रहा है, 500 आ रहे, बहुत सारे हमारे वार्ड में 500 रुपए, पेंशन वाले 500 रुपए आया, लेकिन ऐसा कैटेगरी तो डिसाइड नहीं किया गया था। क्यों नहीं? लेकिन आया है 500 रुपया। उन लोग तो वैसे करते हैं ना, पिछले बार भी क्या बोले नरेंद्र मोदी जी 2014 में है ना जब बने थे, तब क्या बोले थे, आप लोग 0 खाता खुलाया आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आया। हम तो 0 खाता खुला है लेकिन हमारा पैसा चले गया वहाँ, मतलब उधारी है उनके ऊपर, उधारी है। अब मोदी जी को तो समझना चाहिए कि जब देखो उनका मुंह फिसलते रहता है, वो एक जन वो बड़े नेता है, हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन उनका मुंह नहीं फिसलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी बनेंगे। अच्छा, वही बनेंगे जी, अच्छे लग रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या लगता है कि देश में क्या हो रहा है? बीजेपी 10 साल राज की है, क्या लगता है महिलाओं के लिए कुछ सशक्त कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं कि वो सशक्त हो? अभी तक तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो 1,000 रुपए का जो फंडा आप मोदी जी ने लगाया है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने कटौती कर दी है। जैसे राशन में महिला जा रही है, लाइन लगा रही है, तो उसको प्रॉपर 35 किलो चावल नहीं दिया जा रहा है, या तो उसको 3 के हिसाब से 15 मिल रहा है या 3-4 के हिसाब से 20 मिल रहा है, बाकी पेंडिंग दिखाया जा रहा है, ये अभी भी मैं देख रही हूँ। और चना भी बंद कर दिया गया है, तो ये क्या मतलब दिया कि मोदी जी ने 1,000 रुपया तो दिया लेकिन महिलाओं को मतलब जिस तरीके से कटौती हुई है तो इसमें ये 1,000 रुपये का फर्क पड़ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि मोदी जी ये ढकोसला ना करे और हो सके तो 1,000 रुपए का फंडा बंद कर दे। अच्छा, बंद कर देना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी। क्यों बन रहे हैं वो प्रधानमंत्री? क्योंकि राहुल गांधी जी सबसे अच्छे नेता है हमारे कांग्रेस के, और उनका पूरा परिवार जो हमारे कांग्रेस के लिए और इस देश को बनाने के लिए अपनी शहादत दी है, तो उस कारण से सबसे प्रिय है सबके लिए। आपका क्या मानना है? सही बोल रही है हमारी बहन, हमारे ही राहुल गांधी जी बन रहे हैं प्रधानमंत्री। क्यों बन रहे हैं? फंडा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, 1 लाख रुपया, ये सब फंडा चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी तो है ही नरेंद्र मोदी जी। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया है कि बेरोजगार लोग को बेरोजगारी के विषय में या बेरोजगार लोग के लिए जितने भी जैसे ऑफिशियली हो या वर्किंग वुमेन्स के लिए हो या किसी के लिए भी हो कुछ चीज़ लेके आए होंगे। इनका मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ा के बैंक बैंकिंग करना ही है बस। मतलब राहुल गांधी बन रहे हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। क्या लगता है, आपने सुना, दोनों का पक्ष सुना, लेकिन ये हालात जैसे आप सुन रहे हैं, ऐसा है कि ईवीएम पे सवाल खड़ा हो रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि वाकई ईवीएम हैक है? नहीं, ये कहना गलत है। अगर ईवीएम हैक होता तो दो दो बार दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनते और ना ही केरल में भाजपा हार जाती। अगर यही बात होता तो हर जगह भाजपा जीत जाती। तो ये सब कहना कि हार गए तो ये भी हम गलत है, जीत गए तो ये भी हम बढ़िया काम किया, ये बेकार की बातें हैं। इस तरह की बातों से कुछ नहीं होने वाला है। रह गया सवाल वादों का, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, सारे वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। अब रह गया बेरोजगारी भत्ता देने का वादा, तो कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया था, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल पाया? वो भी आखिरी वर्ष में कुछ गिने चुने युवाओं को आपने दिया, उसमें भी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया आपने कि एकदम गरीब होना चाहिए वगैरह वगैरह। अभी आप जो भी बातें कर रहे हैं, अब 1 लाख रुपए आप किसे देंगे? जो एकदम बीपीएल श्रेणी की 1 महिला को देंगे आप? भाजपा भी दे रही है,
अगर घर में चार पांच महिलाएं हैं तो 5,000 आ रहा है महीना। मतलब ये है कि घोषणा कर देते हैं लेकिन वो क्राइटेरिया जो है अलग रहता है सरकार बनने जी। बिल्कुल, सरकार बनने के बाद पूरा क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है कि भाई किन्हें देना है किन्हें नहीं देना है, तो ये सारी बातें हैं। तो महंगाई भी आप देख लीजिए, अगर कोई भी सरकार बनती है मैं नहीं समझता हूँ कि महंगाई पर अंकुश लगेगा। भाई जब मजदूरी बढ़ रही है, सामान का उत्पादन रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ेगा ही। उसी हिसाब से आप देखेंगे बेरोजगारी, अब जनसंख्या वृद्धि हो रहा है और साधन सीमित होते जा रहे हैं, तो आप कितनों को रोजगार देंगे? अब हमारी एक भावना बन गई है रोजगार मतलब सरकारी नौकरी, तो भाई कितने युवाओं को आप सरकारी नौकरी देंगे, किन किन क्षेत्रों में देंगे? तो ये सारी बातें तो लगी रहती हैं। चुनाव का माहौल है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, यह हर सरकार के विरोध में ये रहेगा। आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बन रही है 4 तारीख? देखिए 4 तारीख को जो देश का माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, ये केंद्र के सरकार के लिए चुनाव हो रहा है, तो इसमें स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं, तो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। और इन सब बातों का आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी काफ़ी योजनाएँ सफल हैं। आज भारतीयों को गर्व होता है कि मैं भारतीय हूँ कहने में, तो ये माहौल पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है। ये सब का लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और नरेंद्र मोदी फिर से प्रभावी नेता के रूप में प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा वातावरण नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस और विपक्ष अपने अपने जगह पर लगे हुए हैं। चलिए, कमेंट बाजी तो जरूर हो रही है लेकिन पलरा जो है बीजेपी की भारी नजर आ रही है इतने बातचीत में, और क्या लगता है इंडिया गठबंधन जो है कितना सफल नजर आएगा इस बार? सबसे पहली चीज क्या है, भाजपा फर्स्ट फेज जो बस्तर में चुनाव हुआ था वहीं जो है भाजपा फेल दिखी, और अभी पूरे देश के अंदर जो है भाजपा का जो तानाशाही है, जैसे उनकी पार्टी में देखिए इस राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, उनको साइड किया गया। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, सरकार कैसे बनाओगे आप? हर राज्य में जो कांग्रेस भाजपा के लीडर थे उनको भाजपा की तानाशाही मोदी जो है उनको साइड करते जा रहे हैं। तो सरकार बनाने के लिए आपको जोड़ना पड़ता है, जिस तरह जो है इंडिया अलायंस जोड़ी है उससे निश्चित रूप में पूरी जनता का एक विश्वास पैदा हुआ, नहीं सरकार यही लोग बनाएंगे। तो जनता भी समझ गई कि नहीं, तानाशाही को हटाया जाए और इस बार जो है इंडिया की सरकार बनेगी। और पूरे आप देख लीजिए, यूपी के अंदर देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, हर राज्य में एक सोशल मीडिया के भी माध्यम से पब्लिक का गुस्सा दिख रहा है कि भाजपा को लेकर, क्योंकि उनके जो वरिष्ठ नेताओं थे, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, उनको ही मोदी जो है साइड कर दिया गया मोदी जी के द्वारा, तो फिर कैसे जनता वोट करेगी? तो जनता को भी समझ में आ गया कि इंडिया के साथ चलना है, इस बार इंडिया को दिख रहा है कि इंडिया की सरकार बनेगी 4 तारीख को, और निश्चित रूप से जो है जनता का विश्वास बहुत समर्थन मिल रहा है। और आप देख सकते हो अभी एक राज्य में मोदी जी गए, मोदी जी का विरोध हो रहा है, हरियाणा गए, अमित शाह का विरोध हो रहा है, तो उन्हीं की पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, तो इससे समझ में आता है कि तानाशाही पूरे भाजपा के अंदर है और इसको हटाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता अंदर अंदर से जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास फोन आता है, लोग बोलते हैं नहीं हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात गुटबाजी चल रहा है मतलब बीजेपी के अंदर। कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? देखिए प्रधानमंत्री तो हमारा इंडिया गठबंधन तय करेगा, जितने भी सांसद आएंगे वो तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, लेकिन इस बार जनता ने जो माहौल देखा और उस माहौल को देख के जो वोट किया, तो उन्होंने देखा कि भाई तानाशाह को हटाओ और संविधान बचाओ, क्योंकि मोदी जी ने, हमारा संविधान कहता है कि पक्ष जितना वैल्यू होता है उतनी ही विपक्ष की वैल्यू होती है एक मतलब लोकतांत्रिक देश के लिए। अब मोदी जी पूरे विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है वो तानाशाही करना चाह रहे हैं, तो जनता ने इसी फैक्टर को देख के इस बार वोट किया है। और निश्चित ही इस बार भाजपा की सरकार नहीं आने वाली है, 400 पार का उन्होंने नारा दिया है और 140 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप क्या समझते हैं कौन बना रहा है सरकार, किसकी बन रही है सरकार? बननी चाहिए कि अपने जो राहुल गांधी जी आएंगे इस बार तो सोचे हैं। अच्छा, वही बनेंगे प्रधानमंत्री? जरूर जरूर वही बनेंगे। ठीक है, दावे तो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन आज का इस वक्त
तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार किसकी बनी है, प्रधानमंत्री कौन बना है। हालांकि आपने सुना कि मुद्दे तो काफी ज्यादा चल रहे थे, लेकिन ये मुद्दा अब ईवीएम में कैद हो चुके हैं, तो जो जनता है, जो वोटर हैं, वो किसके पाले में गए हैं और किसके किस्मत को चमकाने के लिए ईवीएम में अपना वोट को कैद किए हैं, ये तो 4 तारीख को इस वक्त तक स्पष्ट हो जाएगा। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जगदलपुर।